नमस्कार, न्यूज फिर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश से सीएम धामी ने हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका है। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस दौरान मौजूद रहे। कुछ देर में हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला दल रवाना होगा। सीएम धामी यात्रा के पहले जत्थे को दिखाएंगे हरी झंडी। तो 20 मई को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की कपाट खोले जाएंगे। आपको बता दें, राज्यपाल गुरमीत सिंह और पर्यटन मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, और कुछ देर में हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला दल रवाना हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के साथ हेमकुंड साहिब में मत्था टेका है, और इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। तो सीएम धामी ने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जत्था आज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, आज से यात्रा एक तरह से शुरू हो रही है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का पूरी तरह से उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा बिना कष्ट के हो, बिना किसी परेशानी के हो, बिना किसी बाधा के हो। उसके लिए उत्तराखंड की सरकार इस गुरु घर के आज पवित्र प्रांगण से हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां हमारे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम, मास्टर प्लान का काम उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, और इस साल के अंत तक वो काम पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से हेमकुंड साहब जाने वाला जो रोपवे है, वह भी उन्होंने उसका शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में ये यात्रा हमारी बहुत कम समय में पूरी की जा सकेगी, और ऐसे लोग भी यात्रा कर पाएंगे जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या वृद्ध हैं, उन सबको भी यात्रा करने का अवसर मिलेगा, केदारनाथ जी की यात्रा का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो काम किया है जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश के अंदर लोगों का 55 सालों तक, 60 सालों तक शासन भी रहा है, लेकिन कभी किसी ने इस दिशा में नहीं सोचा। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने सबकी यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए तमाम प्रयास किए हैं, जो आने वाले समय में हमको सब धरातल पर दिखाई देने वाले हैं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत भी की, और हेमकुंड यात्रा का आगाज हो रहा है। चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने जा रहे, और आज यात्रियों का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी मौके पर मौजूद।